हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप झारखंड के निवासी हैं, झारखंड में दोस्तों आप राशन कार्ड बनवाए लेकिन सो आपके फैमिली मेंबर में से किसी भी सदस्य का नाम छूट गया, नहीं जुड़ पाया और उसे दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से आप जोड़ना चाहते हैं अपने राशन कार्ड में, तो आज की वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। सो आप ऑनलाइन माध्यम से अपने राशन कार्ड में किसी भी सदस्य का नाम किस प्रकार से जोड़ा जाता है, इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने और साथ साथ दोस्तों ये भी बताऊंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और आपको कहाँ पर सबमिट करना पड़े ताकि आपका राशन कार्ड में फैमिली मेंबर का नाम जुड़ जाए। तो चलिए सो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है, अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे दोस्तों आपको रेड कलर सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लें, बेल घंटे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों आप अपने राशन कार्ड में किसी भी सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा उसे ओपन करके आपको टाइप करना है JSFS। जैसे तो JSFSS आप टाइप करेंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है JSFSS JharkhandGOV.in। आपको सर्च करना है, इसका डायरेक्ट लिंक दोस्तों आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो पहले ही देख सकते हैं वेबसाइट आ चुका है राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम झारखंड का, देख सकते हैं झारखंड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आप अपने राशन कार्ड में जितने भी कुरेक्शन किया जाता है, चाहे वो नया मेंबर को जोड़ना हो, मोबाइल नंबर चेंज करना या मोबाइल नंबर एड करना, आधार कार्ड नंबर चेंज, सभी का सभी यहाँ पे वर्क होता है। तो इस वीडियो दोस्तों मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, अगर आप अपने राशन कार्ड में नया मेंबर, नया सदस्य को जोड़ना चाहते हो तो कैसे जोड़ेंगे। तो इसके लिए दोस्तों देख सकते हैं डिस्प्ले पर यहां पे काफी सारा ऑप्शन है, यहां पे दोस्तों आपको जाना होगा कार्ड होल्डर लॉगिन। ठीक है, देख सकते हैं डिस्प्ले पर आपको नजर आता होगा कार्ड होल्डर लॉगिन, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको डिटेल फिल करके अपने राशन कार्ड में लॉगिन हो जाना है, तभी आप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूं। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे कि यहाँ पे नया पेज आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर आपको सही जानकारी से फिल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, सही जानकारी दे देता हूँ, तभी आप अपने राशन कार्ड में लॉगिन हो पाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको टॉप में नजर आता हो पहला ऑप्शन में राशन कार्ड नंबर, तो आपका जो राशन कार्ड नंबर है दोस्तों वो यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कार्ड टाइप दूसरा आ जाता है, कार्ड टाइप पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कार्ड टाइप किस प्रकार का, ग्रीन कार्ड में है या PHI AAY व्हाइट में, तो आपको चुन लेना है। ठीक है, तो मेरा PH है तो PH चुन लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना होगा, पासवर्ड सबसे पहले आपको समझने वाली बात है, यहाँ पे पहले पासवर्ड समझिए दोस्तों। आपके जो राशन कार्ड है उसमें हेड ऑफ फैमिली है, ठीक है, जो राशन कार्ड आपका उसमें हेड ऑफ फैमिली किसे बनाया गया है वो आप देख लीजिए, आपका राशन कार्ड में हेड ऑफ फैमिली है उनके आधार कार्ड का लास्ट 8 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं लास्ट 8 डिजिट ऑफ आधार नंबर ऑफ हेड ऑफ फैमिली, आपके हेड ऑफ फैमिली में आधार कार्ड का लास्ट 8 डिजिट आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नजर आता है कैप्चा, कैप्चा यहाँ पे फिल कीजिए, अगर कैप्चा समझ ना आए तो एक बार रिफ्रेश कर लेना। चलिए सो मैं इतना डिटेल फिल करता हूँ, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। डिटेल फिल करने के बाद सो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पूरा डिटेल फिल कर दिया, जो भी आप डिटेल फिल करेंगे अगर आपका सही होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ग्रीन कलर में टिक मारा हुआ सही का निशान आ जाएगा। ठीक है, डिटेल फिल करने के बाद आपके पास नीचे देख सकते हैं आपको नजर आता है लॉगिन, तो लॉगिन पर आप क्लिक करें। जैसे दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पे दोस्तों आपके राशन कार्ड का पूरा डिटेल्स हो जाता है। जैसे दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे मेरा राशन कार्ड का पूरा डिटेल्स हो रहा है, मेरा राशन कार्ड नंबर यहाँ पे, नाम वगैरह, फादर वगैरह, हस्बैंड वगैरह नाम देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद अगर आप नीचे करते हैं तो आपके राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर जुड़े होंगे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे नीचे आप करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर आपको नजर आता होगा, देख सकते हैं इस राशन कार्ड में जितने भी मेंबर जुड़े होंगे सबको यहाँ पे नाम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बार चेक लेना है, आपको नया नाम जोड़ना है इसलिए मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं वो भी आपको नजर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको अपने राशन कार्ड में एक नया मेंबर, नया सदस्य को जोड़ना है, इसके लिए दोस्तों देख सकते हैं आपको ऊपर की ओर चले आना है। ऊपर की ओर जब जाएंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको नजर आता हो काफी सारे, इधर कॉर्नर में आपको ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, जो इस भी कलर में देख सकते हैं आपको नजर आता हो काफी सारा ऑप्शन इधर बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन आपको देख सकते हैं आपको नजर आता हो परिवार के सदस्य को जोड़ना। ठीक है, देख सकते हैं पहला ऑप्शन में आपको नजर आता हो प्लस का निशान भी है और यहाँ लोगो भी बना हुआ है, परिवार के सदस्य को जोड़ना, इसी को आपको ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों एक नया पेज यहाँ पे आ जाता है, नया पेज आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर से आपका राशन कार्ड का पूरा डिटेल्स हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं राशन कार्ड नंबर यहाँ पे शो हो जाता है, नेम वगैरह शो हो जाता है, कार्ड टाइप वगैरह शो हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे का स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे का और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फिर से आपको लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर यहाँ पे शो हो जाएगा, देख सकते हैं 9 फैमिली मेंबर शो हो रहा है। उसके बाद इधर भी आधार कार्ड वगैरह आप नीचे आ जाना, यहाँ से आपका काम शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं पहला स्टेप 1 यहाँ से चालू होता है, ध्यान से देखिएगा वीडियो, स्किप नहीं कीजिएगा नहीं समझ नहीं आएगा। परिवार के किसी एक सदस्य को चुने और आधार संख्या डालें, मतलब दोस्तों आपको
परिवार के किसी भी एक सदस्य को चुन लेना। जैसे सेलेक्ट मेंबर पर क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट मेंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी आपके राशन कार्ड में नाम जुड़े होंगे सबका यहाँ पे आ जाता है। चलिए मैं एक मेंबर को सिलेक्ट करता हूँ, किसी भी मेंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको लास्ट टू डिजिट ऑफ UID देख सकते हैं आपको नजर आ जाएगा, टू डिजिट यहाँ पे शो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये राशन कार्ड आपका ही कन्फर्म करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो मेंबर को आपने सिलेक्ट किया है उसी मेंबर का यहाँ पे आपको आधार नंबर टाइप करना होगा। पूरा आधार नंबर टाइप कीजिए, उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है ताकि वेरीफाई कर सके। वेरीफाई करने के बाद ही अगला ऑप्शन आता है, तो मैं इनका आधार नंबर टाइप करता हूँ, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करके अगला ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं जो मैंने मेंबर सिलेक्ट किया तो उनका आधार कार्ड में यहाँ पे टाइप कर दो, लास्ट टू डिजिट देख सकते हैं यहाँ पे मैच कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको नजर आता हूँ वेरीफाई, वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। जैसे उसको वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया विंडो यहाँ पे ओपन हो जाता है, जिससे मैं नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन है। अब दोस्तों यहाँ से आपको समझने में बात है आपको क्या क्या भरना है, मैं आपको भरने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे स्टेप टू आपके पास आ गया। अब दोस्तों जिस व्यक्ति का आपको जोड़ना है उसी व्यक्ति के यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बारीकी समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं आपको सदस्य का नाम इंग्लिश में भरना है, तो यहाँ पे आपके सदस्य जिस भी व्यक्ति का जोड़ रहे हैं उसका इंग्लिश नाम क्या है, उसका आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, तो आप इंग्लिश नाम यहाँ पे टाइप कीजिए। सेम दोस्तों यहाँ पे हिंदी नाम आपको टाइप करना है, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर से कर रहे हो तो यहाँ पे आपको हिंदी नाम टाइप करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र में गूगल इनपुट टूल का जो एक्सटेंशन होता है उसे यूज कर सकते हैं, या तो अपने फोन में कर रहे हैं तो वहाँ CGV में कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो कहीं से भी कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ईजी होगा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जिस व्यक्ति का आप नाम जोड़ रहे हैं उनका यहाँ पे पिता का नाम जोड़ना है, ठीक है, पिता या तो पति। अगर लड़की का नाम जोड़ रहे हैं जिसका शादीशुदा हो गया तो उनका पति का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाले जो भी उनको केयर ऑफ में है, जो उनका देखभाल कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे देना है। उसके बाद फिर से नीचे आपको हिंदी में देना है, ऊपर इंग्लिश देना था और नीचे आपको हिंदी में देना है, ठीक है। उसके बाद लिंक यहाँ से सिलेक्ट करना, जो भी उनका लिंक होगा तो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से भरना है, कैलेंडर से आपको डेट ऑफ बर्थ सही सही भर लेना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद यहाँ पे रिलेशन विद कार्ड होल्डर, रिलेशन विद कार्ड होल्डर जो आपके हेड ऑफ फैमिली, जो आपके राशन कार्ड में हेड ऑफ फैमिली उनसे क्या रिलेशन है, ब्रोदर है, मदर है, वाइफ है, सन है, जो भी होगा तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। टिक कर लेना आपको समझ जाएगा किससे आपको मैच करना है, जो आपके राशन कार्ड का कार्ड होल्डर है मतलब जो मुखिया उनसे आपको मैच करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे जिस व्यक्ति का जोड़ रहा है उसका मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके पास मैसेज वगैरह जो भी आता है वो आ सके, तो दे दीजिएगा। मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप दे सकते हैं, ठीक है, दे दीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे इज डिसेबल, डिसेबल का मतलब होता है किसी प्रकार का विकलांग है या किसी भी प्रकार का उनके शरीर में करछट या किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी है, तो यहाँ एस पे कीजिएगा, नहीं होगा तो नो पे कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नो पे क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं मैं नो पे क्लिक कर दिया, मोबाइल नंबर आप दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैरिड स्टेटस, अगर उनका शादी हुआ होगा तो मैरिड में जाएगा, अगर शादी नहीं होगा तो अनमैरिड में जा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास ऑप्शन होगा तो यहाँ पे आपको चुन लेना है, ठीक है। चुनने के बाद आपको नीचे को आ जाना, नीचे और आ जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कैंसर वगैरह, एड्स वगैरह, अदर वगैरह, किसी प्रकार का डिजाइज बीमारी है जिस व्यक्ति का आप नाम जोड़ रहे हैं, किसी भी प्रकार का उनका बीमारी है तो यहाँ पे लिफोर्ड्स वगैरह, कैंसर वगैरह, एड्स अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर है तो यहाँ पे चुन सकते हैं, तो नो पर आपको क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पे, सबसे पहले उस व्यक्ति का आपको आधार नंबर यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आधार नंबर टाइप कीजिए, आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे आपका अपलोड आधार कार्ड, उनका जो आधार कार्ड उसे अपलोड करना। अपलोड करने का साइज में आपको बताता हूं फॉर्मेट क्या होगा, यहां से ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो साइज होगा 200 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है, 200 KB के अंदर रखिए। और उसका जो फॉर्मेट होगा वो JPG में होगा या तो PNG में, JPG या PNG में, आपको PDF में नहीं अपलोड करना, PDF में नहीं लेगा, JPG PNG 200 KB के बीच। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक खाता अगर जोड़ना चाहते हैं तो बैंक खाता दे सकते हैं, यहाँ पे अगर देना चाहते हैं यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं देना चाहते नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो यस या नो पर आपको टिक कर मार के आगे बढ़ जाना, अगर देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं यस पर आप क्लिक कीजिए, नहीं देना चाहते इतने ही विवरण दे करके आपको सही के निशान इस पर क्लिक कर देना, उसका सेंड रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना, ठीक है। चलिए मैं दे देता हूँ, तो देने के लिए अगर आप देना चाहेंगे दे सकते हैं। इसके लिए देख सकते यहाँ पर आपको बैंक IFSC कोड देना होगा, जिस व्यक्ति का आप नाम भर रहे हैं उसका IFSC कोड यहाँ पे भरिए। IFSC कोड भरने के बाद यहाँ पे बैंक का नाम आपको फिल करना, चलिए बैंक का नाम यहाँ से भर सकते हैं। वहाँ पे लोकेशन कहाँ पे उस बैंक का, ब्रांच यहाँ पे नाम आपको भर देना। उसके बाद खाता संख्या भरना चाहते हैं, खाता संख्या यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेम एज जो आपको आधार कार्ड में बताया, सेम एज आपको डॉक्यूमेंट JPG में होना चाहिए, PNG में होना चाहिए, अगर JPG में देते हैं JPG में दीजिए, 200 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, यहाँ सबको चूज फाइल कर लेना। उसके बाद
बाद लास्ट आपको सेंड रिक्वेस्ट आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस राशन कार्ड में जिस व्यक्ति को यहाँ पे जोड़ना है, नया नाम ऐड करना, उसका मैं पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करता हूँ। डिटेल फिल करने के बाद आपको लास्ट में नजर आता होगा सेंड रिक्वेस्ट, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक स्लिप जनरेट होता है, स्लिप जनरेट होने तक मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। चलिए मैं इतना फिल कर लेता हूँ, उसके अगला स्टेप क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सो आप सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट पर क्लिक करने बाद यहाँ पे एक नया पेज आ जाता है। नया पेज आ जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक रिसिप्ट नंबर बनकर आ चुका है कि आपने नाम ऐड करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला है, जिसका नंबर यहाँ पे आपके पास नजर आता होगा। देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके पास नजर आता है एक्नॉलेजमेंट नंबर। इस नंबर को दोस्तों आपको कहीं नोट कर लेना है, इसे सो आप प्रिंट करके निकाल लें। निकालने के बाद आप इससे दो काम कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा तो स्टेटस चेक कर सकते हैं, या तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो काम है, इसे प्रिंट करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है अपने डीलर के पास या तो फिर अपने BSO ऑफिस में। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना होगा, सबसे पहले इस एक्नॉलेजमेंट नंबर जो स्लिप आपके पास नजर आ रहा है डिस्प्ले पे, उसे प्रिंट करने के बाद इसका, और दोस्तों आपके राशन कार्ड में जो हेड ऑफ फैमिली है उनका आधार कार्ड, और जिस व्यक्ति का आप नाम जोड़ रहे हैं अपने राशन कार्ड में, उस व्यक्ति का आधार कार्ड और आपके राशन कार्ड का छाया प्रति लेकर दोस्तों आपको अपने डीलर के पास जाइए, या तो दोस्तों आप अपना BSO ऑफिस जाइए। अगर डीलर पास जाएंगे तो डीलर आगे का काम करेगा, उनको सौंप दीजिए, वो आगे का काम करेगा। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आप अपना सीधा ब्लॉक जाइए, ब्लॉक में आपके पास होगा BSO ऑफिस, वहां पे जाकर के जमा कर देना है। वहां जाकर जमा कीजिएगा, तभी दोस्तों आपके राशन कार्ड में नया फैमिली मेंबर को एड हो पाएगा ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से। अब दोस्तों स्टेटस चेक करना होता है किस प्रकार से चेक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों फिर से आपको होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक ऑप्शन नजर आता होगा, चेक एप्लीकेशन स्टेटस, देख सकते हैं आपके पास नजर आ रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे एक नया पेज आ जाता है। नया पेज आ जाने के बाद यहाँ पर स्टेटस चेक करना है, इसके लिए देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा राशन कार्ड नंबर, यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर भरिएगा, या तो दोस्तों अगर आप राशन कार्ड नंबर नहीं भरना चाहते हैं तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। देख सकते हैं मैंने आपको बताया था एक्नॉलेजमेंट नंबर कौन सा था, नोट करवाया था, उस नंबर को यहाँ पे टाइप कीजिए। उसके बाद कैप्चा यहाँ पे फिल करें, कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पर क्लिक कीजिएगा, आपके पास स्टेटस आ जाएगा कहाँ तक प्रोसेस हुआ। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, आपको ब्लॉग जाना जरूरी है, वहाँ पे आपको इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना ही होगा, या तो फिर अपने जो आपको डीलर है उसके पास भी सबमिट कर सकते हैं, वो भी कर देगा आगे का काम। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया किस प्रकार से आप अपने राशन कार्ड में एक नया मेंबर, एक नया सदस्य को जोड़ेंगे ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, और अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ दोस्तों रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन मिलता है, इस पर क्लिक कर लें, बेल घंटे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार का समस्या हो, कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट करें, और हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ जाएंगे। फिर से मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।